केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिंक को डिजीलॉकर पोर्टल digilocker.government.in पर एक्टिव कर दिया गया है। स्टूडेंट्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वे अपनी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी डिजीलॉकर पोर्टल या मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। CBSE बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2024 का 39 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार जल्द ही समाप्त हो सकता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम कभी भी जारी कर सकता है। माना जा रहा है कि पूर्व वर्षों की तरह ही इस बार भी CBSE 10वीं 12वीं रिजल्ट 2024 को बिना किसी पूर्व सूचना के जारी कर सकता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड जिस दिन सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 के नतीजे जारी करता है उसी दिन सेकेंडरी क्लास 10 के परिणाम भी जारी किए जाते हैं। इस क्रम में जबकि NTA द्वारा NET UG 2024 का आयोजन इस रविवार 5 मई को किया जाना है तो कयास लगाए जा रहे हैं कि CBSE 10वीं 12वीं रिजल्ट की घोषणा आज यानी शुक्रवार 3 मई या अगले दिन यानी शनिवार 4 मई 2024 को जारी कर सकता है। ऐसे में CBSE बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2024 का इंतजार कभी भी समाप्त होने की संभावना है। नतीजों के औपचारिक ऐलान के बाद स्टूडेंट्स अपना परिणाम बोर्ड के रिजल्ट पोर्टल results.cbse.nic.in पर देख सकेंगे। वहीं स्टूडेंट्स को अपनी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी को भारत सरकार के डिजिलॉकर वेब पोर्टल digilocker.government.in या मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड करनी होगी। इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने रोल नंबर और आधार नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके प्रिंट लेने के बाद इसकी सॉफ्ट कॉपी भी स्टूडेंट्स को सेव कर लेनी चाहिए। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए। सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।